इलेक्शन कैंपेन टास्क में लवकेश, विशाल और शिवानी पर बिग बॉस की सबसे बड़ी चाल जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है दोस्तों। बिग बॉस के मेकर्स जो हैं तोड़ने में लगे हुए हैं पूरी तरह से लवकेश कटारिया, विशाल और शिवानी की दोस्ती को, लेकिन अब बुरी तरह से हार चुके हैं बिग बॉस के मेकर्स, क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स को लवकेश, विशाल और शिवानी ने दिया है सबसे बड़ा झटका। आइए आप सभी दर्शकों को बताते हैं कि कैसे बिग बॉस की बड़ी चाल जो है वो पूरी तरह से फेल हुई, प्लान जो है पूरी तरह से फेल हुई। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज़ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप ज़रूर दबा लें। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर के अंदर शो के जो मेकर्स हैं वो तीनों नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट को लेकर एक टास्क करवाते हैं जिसका नाम है था इलेक्शन कैंपेन, और ये 3 राउंड में होने थे। पहला है डिबेट, दूसरा है रैली और तीसरा है एंटरटेनमेंट। अब बताना चाहते हैं ये तीनों ही के तीनों कंटेस्टेंट जो हैं एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार जो है ऐसा हो रहा है जब तीनों दोस्त जो हैं नॉमिनेटेड हैं। अब बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में भी यही देखने को मिल रहा है, और नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट के बीच में बिग बॉस के मेकर्स ने फूट डालने के लिए, दोस्ती को तोड़ने के लिए, दोस्ती में दरार लाने के लिए इलेक्शन कैंपेन नाम का टास्क दिया, ताकि इन तीनों की दोस्ती जो है वो टूट जाए। और इन तीनों की दोस्ती टूटने की वजह से जो टीआरपी मिलेगी ना, वो टीआरपी जो है हम अच्छी तरह से ले लेंगे। और यही सब चीज़ें जो है बिग बॉस के मेकर्स के दिमाग में जो है वो चल रहा था, और बिग बॉस के मेकर्स ने इसीलिए तो राउंड भी ऐसे ही दिए, डिबेट वाला राउंड, जहां पर तीनों को एक दूसरे की वीकनेस पर वार करना था। तो यहां पर ऐसा हुआ भी, लेकिन ऐसा इस टास्क से पहले ही शिवानी, विशाल और लवकेश ने तीनों ने एक दूसरे से वादा कर लिया था कि जो भी होगा सिर्फ और सिर्फ इस टास्क के दौरान ही होगा, इस टास्क के बाद हम वापस से पहले जैसे दोस्त बन जाएंगे। अब ये टास्क शुरू होता है जहां पर लवकेश कटारिया पर विशाल पांडे कहते हैं कि ये लड़ाई के दौरान कुछ कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिसकी वजह से हर्ट हो जाते हैं बाकी के लोग, और यहाँ पर संस्कारों की बातें कर रहा था, तहजीब की बातें कर रहा था विशाल। और लवकेश जो है इस पर पलटवार करते हुए कहते हैं कि तहजीब तो तुझसे ज़्यादा ही मेरे पास है। इसके बाद विशाल पांडे को लेकर चुगलियाँ करती हैं यहाँ पर शिवानी कुमारी, और शिवानी कुमारी कहती हैं कि विशाल तो हमेशा अरमान जी की ही चुगली करते रहते हैं। अब ये तीन, मतलब जो बिग बॉस के मेकर्स को चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन अब टास्क के ख़त्म होने के बाद क्या हुआ वो बात आपको बताते हैं। टास्क के ख़त्म होने के बाद तीनों एक दूसरे के साथ जो है बैठे रहते हैं, जहां पर विशाल जो है वो ये कहते हैं कि बिग बॉस के मेकर्स हमें पूरी तरह से हमारी दोस्ती को ख़त्म करना चाहते हैं, जो कि ऐसा नहीं होगा, है ना। शिवानी से पूछते हैं और लवकेश से पूछते हैं, तो लवकेश और शिवानी भी बोल देते हैं कि हाँ ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और मेरी बात अगर तुम दोनों को बुरी लगी तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और शिवानी और लवकेश भी माफ़ी मांगते हैं, तीनों आपस में मिलकर फिर से दोस्त बन जाते हैं, गले लगाते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि ये दोस्ती हम कभी भी नहीं तोड़ेंगे। भाई बहनों का जो रिश्ता है वो हम कभी भी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि शिवानी जो है लवकेश और विशाल दोनों को भाई मानती हैं, वही लवकेश और विशाल जो है दोनों बहन मानते हैं शिवानी कुमारी को। तो यहाँ पर बिग बॉस की जो चाल थी ना, वो चाल सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए सक्सेस हुई, लेकिन इसके बाद बिग बॉस की चाल जो है पूरी तरह से फेल हो गई। प्लान जो बनाया था टीआरपी लेंगे, इनकी दोस्ती को तोड़कर, इनके रिश्ते को तोड़कर, तो इस पर जो है यहाँ पर पूरी तरह से प्लान जो है वो फेल हो गया है। अब बताना चाहते हैं, हाँ लड़ाई ज़रूर हुई है, सना मकबूल के साथ शिवानी की लड़ाई हुई है, विशाल की शिवानी से लड़ाई हुई, लवकेश की शिवानी से लड़ाई हुई है, लेकिन हाँ इन तीनों के बीच में तो दरार नहीं आया। तो कितने ज़्यादा आप हैं एक्साइटेड इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों बिल्कुल भी।